अगर आप ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का मन बना लिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में ओला S1 एयर के बारे में जितनी भी जानकारी है कि क्या इसमें फीचर्स मिल जाते हैं, इसको आप कैसे खरीद सकते हैं, लोन क्या होगी, EMI प्लान्स क्या है और कौन कौन से बैंक आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम देती है, ये कम्प्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। और इसमें कंपनी क्या क्या फीचर्स देगी, जैसे कि ओला S1, ओला S1 प्रो में फीचर्स मिलता है, क्या वैसे ओला S1 एयर में भी सेम फीचर मिलेगी, तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि अगर आप ओला S1 एयर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। काफी सारे लोगों का मैंने क्वेश्चन देखा है कि ओला S1 एयर में उनको कलर नहीं पता कि कौन कौन से कलर मिलते हैं, तो सबसे पहले कलर की बात कर लेते हैं। तो कंपनी आपको ओला S1 एयर में टोटल 5 कलर ऑप्शन दे रही है, जिसमें व्हाइट, नियो मिंट, रेड, जेट ब्लैक और लिक्विड सिल्वर शामिल है। इन 5 कलर ऑप्शन को आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, और यही 5 कलर ऑप्शन आप बुक करा सकते हैं। इसकी जो प्री बुकिंग अमाउंट है 999 रुपीज़ यानी कि 999 रुपये तक है, इसको आप अभी बुक करा सकते हैं। इसकी डिलीवरी कब होगी ये जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। उससे पहले इससे जितने भी स्पेक्स हैं, फीचर्स हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कंपनी आपको 4.5 किलोवाट की हब मोटर दे रही है, लेकिन ओला S1 और ओला S1 प्रो में आपको हब मोटर नहीं मिलता है, उसमें मिड ड्राइव मोटर का इस्तेमाल किया गया है, तो इस वेरिएंट में ये आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है 2.5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन फिक्स बैटरी लगी हुई है, जिसको चार्ज होने में लगभग 4 आवर 30 मिनट का समय लगता है। और जो ट्रू रेंज है वो आपको इसमें थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन जो IDC रेंज है 101 किलोमीटर पर चार्ज की है। और वहीं इसके जो टॉप स्पीड है आपको 85 KMPS तक देखने को मिल जाएगी, और ये 0-40 KMPS तक रफ्तार 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है। तो वहीं इसके डिजाइनिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी डिजाइनिंग ओला S1 और ओला S1 प्रो जैसी ही है, लेकिन इसमें आपको डुअल टोन का कलर देखने को मिल जाता है। ऊपर वाला पार्ट आपको बॉडी कलर मिलेगा, नीचे वाला पार्ट आपको ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाती है, तो इसको डुअल टोन कलर के साथ रखा गया है, जिससे कि ओला S1 और ओला S1 प्रो से इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जा सके। इसके अलावा इसमें आपको फ्रंट के साइड टेलीस्कोपिक अप सस्पेंशन मिल जाता है, और पीछे के साइड ट्विन शॉक सस्पेंशन लगा हुआ है, जो कि ओला S1 प्रो से ये थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा इसमें आपको फ्लैट फ्लोर बोर्ड भी देखने को मिल जाती है, सीट की डिजाइनिंग भी इसमें थोड़ा सा आपको अलग मिल जाएगा, और पीछे इसमें ग्रेव रेल भी दिया गया है, तो ओवरऑल आप इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं। अगर आप एक झटके में देखेंगे तो आपको ओला S1 और ओला S1 प्रो जैसी देखने में लगेगी, लेकिन आप अगर डिटेल में जाएंगे तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो आपको नए लुक के साथ ये मिल जाती है, नए चेंजेस के साथ आपको मिल जाती है। तो इसमें टायर साइज भी ओला S1 और S1 प्रो से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके फ्रंट और रियर में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपको स्टील व्हील मिलता है, अलावेंस नहीं दी गई है, और इसके फ्रंट और रियर में ड्रम ब्रेक लगा हुआ है, ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ नहीं आती है। तो ये फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी इसमें CBS आने की कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है, इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेक्शन लगा हुआ है, DRL के साथ आपको मिल जाती है। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन LCD TFT डिस्प्ले भी दी गई है, जो कि कलरफुल आपको देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ही आती है, जहाँ पे टर्न बाई टर्न नेविगेशन, बैटरी, ऑडोमीटर, ट्रिप, कई सारे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कंपनी आगे OTA अपडेट भी देगी, जैसे कि ओला S1, ओला S1 प्रो में दी है, जैसे कि आपको मल्टीपल प्रोफाइल मिल जाएगा, स्कूटर आप शेयर कर सकते हैं, मूड, प्रॉक्सिमिटी, लॉक अनलॉक, हील होल्ड, ये सारे फीचर्स भी कंपनी आगे फ्यूचर में इसमें दे सकती है, क्योंकि कंपनी ने एक पोस्ट किया था जहाँ पे कंपनी ने ये जानकारी दी थी, हालांकि बाद में कंपनी ने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। और इसके अलावा इसमें म्यूजिक सिस्टम भी आपको मिल जाता है, यानी कि स्पीकर्स मिल जाते हैं, USB सॉकेट दिया गया स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए, 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट शामिल है, इसमें हाइपर मोड आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा इसमें साइड डिशन अलर्ट भी दिया गया है, 34 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। रिवर्स मोड भी इसमें मिल जाती है, लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल जो फीचर्स है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा एंटी थेफ्ट अलार्म भी दिया गया है, तो ये सारे फीचर्स आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। तो फीचर्स को लेकर आपको जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो यहाँ पे अब आपकी दूर हो गई होगी। तो यही वारंटी की बात करें तो इसमें 3 ईयर्स या फिर 40,000 किलोमीटर इसके बैटरी पे आपको वारंटी मिल रही है, जो पहले आ जाए। तो इसके कुछ डायमेंशंस की भी बात कर लेते हैं, तो इसके जो डायमेंशंस है कहीं ना कहीं ओला S1, ओला S1 प्रो जैसी ही है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, जैसे कि इसका वेट थोड़ा सा कम है। व्हील बेस इसकी 1359 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट है 792 mm, और इसका जो कर्व वेट है मात्र 99 kg है, तो ये काफ़ी हल्की इलेक्ट्रिक स्कूटर आपकी ओला की तरफ से देखने को मिल जाती है, और लोडिंग कैपेसिटी लगभग आपको 150 kg तक देखने को मिल जाएगी। बाकी प्राइसिंग के बारे में आपको जानकारी है, जब इसको लॉन्च की गई थी तो
24 अक्टूबर से पहले जिन लोग प्री बुकिंग कराए होंगे उनको ये थोड़ी सी कम प्राइस में मिल जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो एक्स रूम प्राइस है 84,999 यानी कि 84,999 रुपये तक है। अभी केवल कंपनी इसका प्री बुकिंग ले रही है, 999 रुपीस देकर प्री बुकिंग करा सकते हैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए। तो इसको आप कैसे खरीद सकते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पे दे देते हैं। तो कंपनी इसमें आपको कई सारे तरीके देती है जिससे आप परचेस कर सकते हैं। तो कंपनी इसमें आपको एक ऑप्शन देती है स्प्लिट पेमेंट का, अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे, हालांकि ऑनलाइन ही परचेस करना है इसको। तो स्प्लिट पेमेंट उन लोगों के लिए है जिनके ऑनलाइन पेमेंट में लिमिट लगा हुआ है, जो लोग एक साथ इतने पैसे एक साथ पेमेंट नहीं कर पाते उन लोगों के लिए स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन कंपनी दे रही है कि आप कई बार में आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 84,999 रुपीज़ इसकी प्राइस है, तो आप एक बार 50,000 जमा कर सकते हैं और दूसरी बार पेमेंट में बाकी बचे अमाउंट को जमा कर सकते हैं। तो स्प्लिट पेमेंट का ऑप्शन कंपनी देती है, जैसे कि आपके बैंक में जो लिमिट लगा हुआ उसमें कोई आपको दिक्कत ना हो। तो ये जो इसकी ईएमआई प्लान्स की बात कर लेते हैं, तो अभी कंपनी इसका परचेस विंडो ओपन नहीं किया है, तो ईएमआई प्लान्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, जो कि ओला S1 और ओला S1 प्रो का फिलहाल कंपनी ने यहाँ पे लिस्ट किया है। जब परचेस विंडो इसका भी ओपन हो जाएगा तब कंपनी यहाँ पे ओला S1 एयर को भी लिस्ट कर देगी। फिलहाल अभी कंपनी जो जो बैंक ऑफर कर रही है देख सकते हैं, ICICI बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और लिक्विड लोन। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कितना है नीचे भी आप देख सकते हैं। सबसे कम आपको HDFC बैंक पे 8.3% का लगता है, तो अगर आप HDFC बैंक से कनेक्टेड हैं तो आपको थोड़े से कम पैसे लगेंगे बाकी अन्य बैंक के मुकाबले में। तो यहाँ पे कंपनी एक साल, दो साल या फिर तीन साल यहाँ पे आपको EMI प्लान्स देती है। अगर आप एक साल में देते हैं तो पर मंथ जो ओला S1 की है, यहाँ पे ओला S1 की बात कर रहे हैं, तो 6,192 रुपीस पर मंथ होती है। और यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए 30,000 रुपये तक डाउन पेमेंट करते हैं तब आपकी क्या होगी EMI प्लान्स, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग डाउन पेमेंट आप जितना आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ओला S1 एयर की जो डाउन पेमेंट की अगर बात करें, तो अभी कंपनी ने बतानी है कि आपको एग्जैक्ट कितना देना है, और EMI प्लान्स भी डाउन पेमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ओला S1 और ओला S1 प्रो का है, तो ओला S1 एयर का प्राइस ओला S1 से बस थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलता है, लगभग 15,000 का फर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो EMI प्लान्स है ये भी बस थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो सबसे कम जो आपको जो इंटरेस्ट रेट लगेगा EMI पे वो आपको HDFC पे लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये भी जानकारी मिल गई है कि इसको EMI पे ले सकते हैं, डाउन पेमेंट आप कैलकुलेट आप कर सकते हैं कितना करते हैं आप। तो अभी बात करते हैं इसकी डिलीवरी कब होगी। तो अभी परचेस विंडो कंपनी इसका फरवरी 2023 से स्टार्ट करेगी, उसके बाद इसको अप्रैल 2023 तक डिलीवर किया जाएगा। इस मॉडल की बात कर रहे हैं ओला S1 एयर की। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया है, ये वीडियो बस इसीलिए बनाई गई है अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि ओला S1 एयर को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या रेंज मिल जाती है, प्राइसिंग क्या देखने को मिल जाएगी, डाउन पेमेंट क्या है, क्या लोन अवेलेबल है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर इस वीडियो में मिल गया है। इसके अलावा आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो भी मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।